नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स पैराइस। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के हर टॉपिक के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में, तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर टॉपिक के टॉप 100 क्वेश्चंस मिल सके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलते हैं आपसे। रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया हमसे कि यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एम दे रखा है, लेंथ एल दे रखा है, इज सस्पेंडेड बाय अ मींस ऑफ टू लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स एट द एंड ऑफ द रोड। तो टेंशन इन वन स्ट्रिंग इमीडिएटली आफ्टर द वन स्ट्रिंग इज कट। ठीक, सपोज मान लो कि हमने क्या किया कि भाई यहाँ पे इनिशियली जो टेंशन है वो कितना है, दोनों में डी लग रहा है ना। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे इस वाली को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, तो इस वाली टेंशन की वैल्यू पूछी हमसे, तो क्या होगा बेटा कि अगर यहाँ पे अपन न्यूटन सेकेंड लॉ से बात करें तो नीचे जो है वो एम जी लग रहा है, ऊपर टेंशन की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एम जी माइनस टी इक्वल्स टू एम ए, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पर हमारे पास दिक्कत ये है कि हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं, ए की वैल्यू नहीं है ना, अदरवाइज आप टी इजिली निकाल सकते थे। तो ए निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे कि भाई हमको ये पता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल्स टू होता है ए बाई आर। अब आर की वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ पर अगर अपन देखें तो आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी बेटा एल बाई टू, क्योंकि इसके अबाउट ये घूमेगा है ना, तो इसके सेंटर मास की जो पोजीशन है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर एल बाई टू। ठीक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर ए बाई एल बाई टू, मतलब ए की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई अपने पास अल्फा एल बाई टू। ठीक, लेकिन अब दिक्कत ये है कि हमारे पास अल्फा की वैल्यू नहीं है। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकाले कि हमको ये पता है कि टॉर्क इक्वल्स टू होता है आई अल्फा। ठीक, टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, आई अल्फा होता है, तो यहाँ पर अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, टाउ टॉर्क अपॉन आई, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड। ठीक है, तो टॉर्क की बात करें तो टॉर्क कितना लगेगा कि भाई यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, एम जी लगेगा, और जो पोजिशन है वो कितना है भाई उसकी, एल बाई टू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एम जी एल बाई टू ये हो जाएगा बेटा टॉर्क। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें अपन किसी रोड के एंड के लिए तो वो होता है एम एल स्क्वायर बाई थ्री है ना, तो यहाँ से एम एम कैंसिल आउट हो गया आपका, एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी थ्री जी बाई टू एल। ठीक है, कितनी वैल्यू आई अल्फा की, थ्री जी बाई टू एल, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थ्री। तो बाई इक्वेशन वन टू और थ्री जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो एम जी माइनस टी इक्वल्स टू क्या रखा जाएगा बेटा यहाँ पर, अपन एम ए अल्फा की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर है ना, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी एल बाई टू अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, थ्री जी बाई टू एल है ना, तो एल एल कैंसिल आउट हो गया आपका यहाँ पे, तो एम जी माइनस ये वैल्यू को उस तरफ ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर थ्री एम जी बाई फोर इक्वल्स टू टी है ना, तो जो टी की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ पर एम जी बाई फोर। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इस टाइप के बहुत सारे बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको मिलने वाले, तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।